एक्सरसाइज 7 ट्रांसलेशन। देखिए मैं पैराग्राफ में ट्रांसलेशन पहले पढ़ के बता दे रही हूँ, फिर इसका लाइन बाय लाइन आपको मैं एक एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन करवा दूंगी। रेखा मेरी सहेली है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, वह एक बुद्धिमती छात्रा है, उसमें अनेक गुण हैं, वह कक्षा में सदा प्रथम आती है, वह समय से प्रातः उठकर अपना काम करती है, वह समय से स्कूल भी जाती है, वह अपने गुरु एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करती है, वह निर्धनों की सहायता करती है, वह सदा प्रसन्नचित रहती है, उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। ये आपकी क्लास 9th की न्यू लाइट इंग्लिश बुक का पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है। तो देखो पहला है, रेखा मेरी सहेली है, है ना, तो रेखा इज़ माई फ्रेंड। रेखा मेरी सहेली है, रेखा इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। पढ़ती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो लड़की है तो शी, लड़का होता है तो ही, है ना। शी स्टडीज इन माई क्लास, कहाँ पढ़ती है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। शी स्टडीज इन माई क्लास, वह एक बुद्धिमती छात्रा है। देखो वह हर बार वह है तो लड़की है, शी यूज़ करोगे। शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक बुद्धिमती छात्रा है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसमें अनेक गुण हैं। शी हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, किसमें, देखो उसके पास गुण हैं, है ना। जब किसी के पास कुछ होता है तो हैव हैज़ यूज़ होता है, एक के साथ हैज़ लगता है, ज़्यादा के साथ हैव। तो शी हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, वह कक्षा में सदा प्रथम आती है। शी ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स सदैव, है ना, सदा। शी ऑलवेज रैंक्स फर्स्ट इन द क्लास, She always ranks first in the class. वह समय से प्रातः उठकर अपना काम करती है। She wakes up, देखो लड़की ये उठ करती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि जब शुरुआत में एक है तो इधर वर्ब में एस आई एस लग जाएगा, तो देखो she एक है ना, यानी यहाँ wakes लग गया। She wakes up early and, वो सुबह उठती है, and does her work on time, और अपना काम समय से करती है। वह समय से स्कूल भी जाती है। शी ऑल्सो गोज टू स्कूल ऑन टाइम, शी ऑल्सो गोज टू स्कूल ऑन टाइम। वह अपने गुरु एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। शी ओबेज हर टीचर्स एंड एल्डर, ओबे मतलब आज्ञा मानती है ना। She obeys her teachers and elder. Elder हमेशा अपने सगे के लिए, बड़े के लिए यूज़ होता है। आप और किसी पड़ोसी या चाचा या किसी के बड़े के लिए elder नहीं यूज़ करना, है ना। वह निर्धनों की सहायता करती है। She helps the poor. निर्धन यानी poor, सहायता करती है means help करती है। She helps the poor. वह सदा प्रसन्नचित रहती है। प्रसन्नचित means cheerful यानी खुश। She is always cheerful. सदा यानी ऑलवेज, तो शी इज़ ऑलवेज चीयरफुल। उसमें उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, यानी उस सभी लोग यानी देखो सभी लोग यानी एवरी वन इज़ हैप्पी विद हर, है ना, किससे, उससे, उससे के लिए विद हर, एवरी वन इज़ हैप्पी विद हर। बच्चों ये मैं इसका क्लास 9th का न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का ट्रांसलेशन करा रही हूँ। आपको कोई और बुक का ट्रांसलेशन चाहिए हो पहले तो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उसका पहले अपलोड कर दूँगी। और इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। आपके यहाँ 10 नंबर का, 10th में 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश आता है, और 11th और 12th में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों 10-10 नंबर के आते हैं। तो आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इसको। बाय बच्चों।